हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, भारत दक्षिण एशिया के सबसे बड़े देशों में से एक है और क्षेत्रफल के नीचे दुनिया में सातवां सबसे बड़ा देश है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश में ऐसी कुछ जगह है जहां आपको घूमने की इजाजत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको भारत की उन जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ आपको घूमने की इजाजत नहीं है। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है अक्साई चीन, जम्मू एंड कश्मीर। यह एक युद्ध विराम रेखा है जो भारतीय नियंत्रण वाले राज्य जम्मू को अलग करती है। अक्साई चीन भारत और चीन के बीच दो बड़े विवादित सीमावर्ती क्षेत्रों में से एक है। इसमें सेकंड नंबर पर आता है भानगढ़ किला, राजस्थान। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी का किला है, जो किले परिसर में कई भूतिया अनुभव और घटनाओं के कारण देश के सबसे प्रेत बाधित स्थानों में से एक होने के लिए पूरे भारत में कुख्यात है। कोई भी कुछ शर्तों के तहत इस किले की यात्रा कर सकता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद इस किले की अनुमति से इनकार कर दिया जाता है। हमारी लिस्ट में नंबर थर्ड पर आता है निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह अछूता और प्राचीन है। यूनेस्को ने द्वीपों के जीव मंडल भंडार में विश्व नेटवर्क में से एक घोषित किया है। यदि आपको यहाँ स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है तो द्वीपों के कुछ क्षेत्रों का दौरा करना संभव है, लेकिन जनजातियां बेल्ट पूरी तरह से सीमा से बाहर है। हमारी लिस्ट में नंबर फोर्थ पर आती है चोलामू झील, उत्तरी सिक्किम। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है। यह उत्तरी सिक्किम में स्थित है, जो चीनी सीमा से केवल 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। किसी को झील की यात्रा करने के लिए सेना और सिक्किम पुलिस प्रशासन के विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। हमारी लिस्ट में नंबर फिफ्थ पर आती है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय में पूर्व काराकोरम रेंज में स्थित है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा समाप्त होती है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा सैन्य बिंदु है और सामान्य लोगों को यात्रा करने की अनुमति नहीं है। हमारी लिस्ट में नंबर सिक्स पर आता है उत्तरी सेंटिनल द्वीप, अंडमान। उत्तरी सेंटिनल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। यह एक स्वदेशी जनजाति का घर है, जिसे सेंटिनेलेज के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इस तरह वे बाहरी लोगों का स्वागत नहीं करते। भारत सरकार द्वारा इस स्थान पर प्रवेश वर्जित है। हमारी लिस्ट में नंबर सेवेंथ पर आता है चंबल नदी बेसिन, मध्य प्रदेश। यह उन स्थानों में से एक है जो भारत की सुंदरता को प्रदर्शित करती है। इस लोकेशन को बॉलीवुड की कई फिल्मों में छापा जा चुका है। हालांकि इस क्षेत्र में सक्रिय डकैतों के कारण आमतौर पर आगंतुकों द्वारा इस जगह को टाला जाता है। हमारी लिस्ट में नंबर एट पर आता है बस्तर, छत्तीसगढ़। बस्तर छत्तीसगढ़ का एक जिला सुरम्य झरने और आकर्षित सौंदर्य से परिपूर्ण है, लेकिन क्योंकि यह रेड कॉरिडोर में आता है और इलाके में नक्सली गतिविधियां धड़ल्ले से होती है, इसलिए यह जगह यात्रा के लिए खतरनाक मानी जाती है। हमारी लिस्ट में नंबर नाइन्थ पर आता है बंजर द्वीप, अंडमान। द्वीप समूह में अंडमान बंजर द्वीप भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का घर है। आप दूर दूर से ज्वालामुखी के मुहानों से लाल गर्म लावा और धुआं उठते हुए देख सकते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से भी कार इस पहाड़ी के नजदीक जाने की इजाजत नहीं देती है। हमारी लिस्ट में नंबर टेंथ पर आता है UNO इन होटल, बेंगलुरु। बेंगलुरु में इस होटल की स्थापना 2012 में की गई थी और होटल में सिर्फ जापानी को ही प्रवेश की अनुमति है। हालांकि इस होटल को ग्रेटर बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने नस्लीय भेदभाव के आरोप में 2014 में बंद कर दिया था। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ जगहों के नाम जहां पर आम इंसानों का जाना निषेध है। इन जगहों के बारे में आपकी क्या राय है, और अगर आप ऐसी ही कुछ जगहों के नाम और जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें ये भी जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं कि हमें आने वाली वीडियोस किस टॉपिक पर बनानी चाहिए, तो अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा। और जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।